शादीशुदा लड़की है। I love the fact कि आपकी फैमिली आपके पीछे खड़ी है. I really admire your husband. It's fantastic कि आप उसको encourage कर रहे हैं. And this is how it should be. ये true talent है. And she should be encouraged. सर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस गाने में जो अनु मलिक साहब ने compose किया है, जो line आती है मुझे मस्त माहौल में जीने दे, तो उसमें original singer ने उसमें एक थोड़ा और punch डाला है. तुमने उसको भी उसी energy या उसी volume में गाया जिसमें बाकी तुम गा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस. जल्दी से बताएंगे कि उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा. ग्रीन लाइट, रेड लाइट. ग्रीन ग्रीन एंड अनु जी ने अनु जी
मेरा बजर इसलिए नहीं बजा क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी ताली की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। अब ये बजर हरे पर आए। Congratulations, Sarvi. And today I would like to tell the जनता कि ठीक है, अब जब तारीफ करते हैं तो खुल के करते हैं, दोस्ती करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लड़की इंडियन आइडल बने, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आज यकीन हो गया है, अगर लड़की बन सकती है, there is every possibility ये लड़की वो है, Sarvi. Sarvi, green light says it all. You are very, very good. I wish you all the best, Sarvi. You are very good today. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा तुमने गाया और इसमें कोई शक नहीं, यहाँ और भी अच्छे गाने वाले हैं, लड़के भी लड़कियाँ भी, लेकिन वो लोग जो सीरियस चैलेंज होंगे अपने कम्पिटिटर्स को इंडियन आइडल के क्राउन के लिए, वो उनमें से जो दो तीन हैं उनमें से यकीनन तुम भी। थैंक यू सो मच। पूछना चाहूंगा, ये छम्मा छम्मा में तुम्हारा दिल कितनी बार हम्मा हम्मा गा रहा था भाई, शुरू से लेके आखिर तक? जजेस, आपका क्या कहना है तुलिका के इस परफॉर्मेंस के बारे में? अनु जी, तुलिका, दिस इज अ गाला राउंड, दिस इज वेयर तुम्हें इतनी जान लेवा मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम आग लगा दो, और ये मुझे नजर ही नहीं आया। जावेद साहब, मुझे बहुत उखड़ा हुआ परफॉर्मेंस लगा, कॉन्स्टेंटली मुझे आपका सुर कम लगा, कॉन्स्टेंटली, इट वॉज नॉट इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। आज की एवरेज रही है आपकी परफॉर्मेंस, आज उतनी एनर्जी नहीं थी, तो भविष्य में आप इस बात का शायद ख्याल रखें। और आप थोड़ा नर्वस लग रहे हैं मुझे आज, पता नहीं क्या है। सब पता नहीं, आज परफॉर्मेंस से पहले इट वॉज, आज ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं गाला इसके लिए परफॉर्म करने जा रही हूँ, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी या कुछ, बट इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, जब खराब हो गया तो हो गया। सोनाली जी, तुलिका, आप हमेशा ही एक अच्छी परफॉर्मर रही हैं, आज आपका परफॉर्मेंस वीक था ये आप भी जानती हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, पिछले हफ्ते वी लॉस्ट अ वेरी गुड टैलेंट अनन्या, और यहाँ पे मैं पहली बार से बोल रही हूँ कि इस बार हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, और मुझे ये डर लग रहा है कि लड़कियाँ अगर अपने आप को सीरियसली नहीं लेंगी तो मेरा जो सपना है कि इस साल इंडियन आइडल एक लड़की बने, प्लीज उसे टूटने नहीं दो। एक परफॉर्मर को जब स्टेज पे आता है तो हर चीज भूलनी चाहिए। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयां, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयां, सब ग
Fantastic. I guess यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे important है उनके पास ही जाते हैं. सोनाली मैम. भव्या, I'm speechless. Thank you, ma'am. This is called flawless. जावेद साहब. देखिए, मेरा तो काम ही शब्दों का है, ज़बान का है, चाहे प्रोज लिखूं, चाहे पोएट्री लिखूं, लेकिन कभी कभी राइटर को और पोएट को भी मानना पड़ता है कि हर बात शब्दों में नहीं कही जा सकती. Well done, Bhavya. Very well done. When you started singing, जब तुमने गाना शुरू किया, I felt तुम सुर से बहुत बार हिली हो. सर, शुरुआत में गई थी. I know. और वो that's a beautiful line. जब तुम उसी जगह पर सुर से जाओगी ना, तो what's the point? मेरे हिसाब से भविया, you have a fantastic quality voice. जब मैं बोलता हूँ fantastic, तो fantastic voice quality है तुम्हारी. लेकिन सुर में भी तो आना चाहिए ना. To me, work harder. Don't worry. This is what I felt. बात कहना चाहूँगा. हो सकता है मैंने नोट नहीं किया था. मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, इसलिए कि वो खुद कह रही है और आप कह रहे हैं कि शुरुआत में उस सुर से गई थी. लेकिन सच बात ये है कि अब तक जितने परफॉर्मेंस हैं, इससे ज़्यादा महसूस करके किसी ने नहीं. लेकिन राजदीप, अपने 17 साल के लाइफ में सोनाली मैम को छोड़ के कोई और लड़की तुम्हें कभी पसंद नहीं आई? इसमें मैं बताना चाहूंगा, मेरा फर्स्ट क्रश जो था वो स्टैंडर्ड 2 में मेरी इंग्लिश टीचर पे था. बराबर बराबर, बहुत लोगों का होता है यहाँ. और यहाँ पर राजदीप की मम्मी भी है. आंटी, आपको मालूम था कि आपका ये हसमुख बेटा ऐसी कारस्तानियां करता है स्कूल में? प्यार तो सबको ही करना है ना, टीचर, मम्मी, पापा, सबको ही प्यार होता है. Not only the girlfriend and boyfriend. अब समझ में आया आंटी, हमें ये naughtiness राजदीप में कहाँ से आती है. राजदीप, ध्यान से सुनिए. यूँ समझिए कि आपको शादी करनी है, हर किसी को करनी है, जैसे मम्मी ने कहा अभी. आपके पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो 7 लड़कियाँ बैठी हैं, इनमें से कोई एक. देखिए, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा जिसका रूप प्रियंका दीदी जैसा हो, जिसका दिल भव्या जैसा हो और जिसकी गायकी शनि दीदी जैसी हो. तो आप साफ साफ कह दीजिए ना कि आप 3 शादियां करना चाहते हैं. वेल, अभी तो हमारे जो राजदीप है वो सच्चाई उगल नहीं रहे, लेकिन खैर कोई बात नहीं. एक शख्स है जो सच्चाई उगलवाने में माहिर है और वो है रेडियो मिर्ची. ज़रूर सुनते रहिएगा, वहाँ आपको राजदीप की सच्चाई पता जरूर चलेगी. अब चलते हैं हमारे जजेस के पास. सुना लीजिए, आपसे शुरू करते हैं. हाँ राजदीप, इम्प्रेस तो मैं जरूर हो गई. थैंक यू राजदीप.
आपने बहुत अच्छा गाया। तुम जो भाग भाग के इधर आए, मैं समझा तुम मेरी तरफ आ रहे हो, दोस्ताना पिक्चर देख के मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन बेटर सेंस प्रेवेल्ड और पट से तुम यहाँ चले गए। लेकिन वाह 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 वाह, क्या गाता है, फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। थैंक यू सर। ये थोड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, ये दूसरे सिंगर हैं और अगर सब ऐसे ही गाते रहेंगे तो यहाँ जजेस सिर्फ वाह वाह करने के लिए बैठे हैं क्या? तो बस यही कह देता हूँ कि बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।